हेलो फ्रेंड्स, तो आज सपना जी आई है मेरे पास स्किनॉक्स कंपनी से और वो काफ़ी दावा कर रही थी कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा फेशियल किट है जिसको वी प्रोटीन फेशियल किट कहते हैं। और ये काफ़ी दावा कर रही थी कि इससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, तो आप देख सकते हो। और ये डेमो लेती हूँ कि कैसा है ये फेशियल किट। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं अपने सैलून में इसको रखने वाली हूँ। आई होप रिज़ल्ट अच्छा हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को मैं ऐसे ऐसे फेशियल किट्स दूँ जिससे उनको रिज़ल्ट दिखे और उनको अच्छा लगे कि हाँ, यहाँ पे काम करवाना वर्थ है। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप दिखाती जाती हूँ और सपना जी खुद ही डिस्क्राइब करेंगी या मैं बताती जाऊँगी कि कैसे हो रहा है। मैं पूरा प्रोसीजर दिखाने वाली हूँ आपको। हम लोग रेड टिश्यू से क्लीन करेंगे, किसी भी क्लेंजर को यूज नहीं करेंगे इसमें। जिन स्टार्ट करेंगे जो कि हम रिटर्न एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसको हमने 10 टू 15 मिनट एप्लीकेशन करके छोड़ना है फेस पे। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। यस, तो गाइज ये डिटॉक्स हो रही है स्किन। एक्चुअली ये डे टाइम क्लींजर है और इसको हम 10 मिनट्स रखेंगे, देन रिमूव करके फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। हम इसकी मसाज हम पानी से नहीं, टोनर से करेंगे। ओके, इसका पूरा प्रोसेस ही टोनर है। इसमें जो फेशियल होगा प्रॉपर इस टोनर के साथ होगा। ठीक, मैं नीट लगे कि हमारे यहाँ पे उसे ड्राई हुआ तो हमें टोनर दे। मतलब अब आप फेशियल स्टार्ट कर रहे हो? Yes. तो इससे मसाज देना है या नहीं देना? देना है, 5 मिनट के मसाज रहेगी। ये सीरम काइंड ऑफ लग रहा है, तो ये क्लींजर लगा हुआ है फेस पे और इसको 5 मिनट छोड़ करके देन फिर थोड़ा मसाज देंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे। इसकी मसाज जो होगी वो टोनर से होगी ना? तो टोनर से ये मसाज कर रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्रब है। स्क्रब को भी हमें 2-3 मिनट के लिए छोड़ेंगे फेस पे। तो ये फेस पे स्क्रब लगा दिया इन्होंने और 2-3 मिनट तक इसको छोड़ेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर? उसके बाद का प्रोसीजर मैम हमारा टोनर के साथ ही मसाज रहेगी इसकी। ओके, उसके बाद हम क्लीन करेंगे। ओके, तो मतलब टोनर से ही इसको मसाज करते हुए रिमूव करना है स्क्रब को, राइट? यस, उसके बाद हमारे डकेट्स वगैरह निकलते हैं मैम, हम टोनर से मसाज करेंगे। ठीक, पानी नहीं लेंगे किसी भी स्क्रब में। हम करेंगे मैम टोनर भी डालते हैं क्योंकि हमारे ओपन पोर्स हो गए हैं। तो आफ्टर स्क्रबिंग ये सीरम टोनर से डैब डैब कर रही है सो दैट हमारे जो ओपन पोर्स और ओपन हो गए हैं वो स्क्वीज हो जाए, वो श्रिंक कर जाए। तो टोनर से ऐसे डैब डैब करेंगे। हमारी जो मसाज रहेगी क्रीम की, इसी टोनर लगे हुए फेस पे ही हम लोग मसाज करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे। तो ये मसाज करने जा रही है, अभी फेस पे उन्होंने टोनिंग करा था और उसी के ऊपर ये मसाज स्टार्ट कर रही है। तो इसमें भी वाटर की जगह ये टोनर के साथ मसाज करेंगी, क्रीम मसाज भी ये टोनर के साथ देंगी। इसी के ऊपर हम पैक लगाएंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे क्रीम को बिल्कुल भी। इसको हम पानी से थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे पैक को। तो यहाँ हम टोनर से रिमूव नहीं करेंगे, पानी से करेंगे थोड़ा सॉफ्ट।
तो मास्क को रिमूव करने के बाद हम सिरम अप्लाई कर रहे हैं फेस पे। देन एक और मास्क है जो जेल और पाउडर को मिलाकर होएगा, वो हमारा लास्ट स्टेप होएगा। पावर मास्क लगाएंगे, इसमें पाउडर और जेल है। मैम का तो सब कुछ नहीं है, मैंने मास्क लग गया है मैम, ये 10-15 मिनट के अंदर जारी होता है। इस पैक के बाद में लास्ट में हमारी सीरम एप्लीकेशन विटामिन सी। अच्छा, ये विटामिन सी सीरम है। तो आफ्टर फेशियल आप मेरे स्किन का रिजल्ट देख सकते हो कैसा लग रहा है, और मुझे तो बहुत पसंद आया, ग्लो कर रहा है स्किन।